हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम उबर वॉलेट के बारे में। तो जी हाँ गाइस, काफ़ी लोगों के कमेंट थे और ये भाई कुछ भाई बता रहे थे यार भाई उबर में पैसे कैसे जमा किए जाएँ, उस बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों आज हम आपसे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो उबर होता है, जो उबर ड्राइवर ऐप होता है, उसका जो वॉलेट जो पेमेंट होता है, जैसे कि हमारे पास राइड आती रहती हैं तो हमारा वॉलेट पेमेंट ज़्यादा हो जाता है। तो इस कारण हमारा उबर अकाउंट, मतलब जो कैश ट्रिप होती है, वो डीएक्टिवेट हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो आप ऐसे फॉलो करना और उबर का जो वॉलेट पेमेंट है वो इस प्रकार जमा करना है आपको। तो आपके लिए, इसके लिए आपको पेटीएम ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन को जाना है होम स्क्रीन, और ये देख सकते हैं आप, मैं साथ साथ आपको फॉलो करूँगा और आप भी फॉलो करना, देखते रहना दोस्तों। जैसे अपन होम स्क्रीन गए, तो होम स्क्रीन जाते हैं तो ऊबर जो अपना ऐप होता है, ड्राइवर ऐप, वो अपन को खोलना है। तो जैसे मैंने ड्राइवर ऐप खोला तो आपको कुछ इस प्रकार इंटरफेस शो करेगा। तो यहाँ पर साइड में 3 डॉट दिख रहा है, ऊपर जो 3 लाइन दिख रही है, इस पर आपको करना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आपको आपको जाना है वॉलेट में। जैसे वॉलेट पे आप गए, तो वॉलेट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो आपका जो कितना फेयर ड्यू है, या मतलब कितना फेयर आपका माइनस है, ऊबर को कितना पेमेंट हमें देना है, तो वो सारा यहाँ शो करेगा। तो पहले आपको अपना फेयर देख लेना है, आपको कितना पेमेंट जमा करवाना है। तो जैसे आपने आपका पेमेंट देखा, उसके बाद में दोबारा से आपको आ जाना है होम स्क्रीन, और फिर दोबारा जाना है 3 डॉट पर, मतलब 3 लाइन पर, और आपको जाना है नीचे नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा हेल्प या मदद, तो उस पर आपको करना है क्लिक। जैसे हेल्प या मदद पे जैसे क्लिक करोगे, तो आपको आगे शो करेगा कमाई और भुगतान। जैसे आप जाओगे नीचे, तो आप देख सकते हो कमाई और भुगतान आपको शो कर रहा है। तो जैसे ही कमाई और भुगतान शो कर रहा है, उस पर आपको जाना है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, तो नीचे लिखा है, इसके जैसे आप क्लिक करोगे तो अगला ऑप्शन लिखा है कैश बकाया भुगतान, जो 6 नंबर पर आप देख सकते हो कैश बकाया भुगतान, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, तो आपको फिर से ऑप्शन खुलेगा पेटीएम VIA, कुछ ऐसा खुलेगा पेटीएम, कुछ 4 नंबर ऑप्शन पे, तो आपको करना है पेटीएम पे क्लिक। तो जैसे आप पेटीएम पे क्लिक करोगे, तो आपको नेक्स्ट स्टेप खुलेगा फिर से पेटीएम का। तो पेटीएम पे जैसे ही क्लिक करते हो, तो आपको मेन जो पेटीएम ऊबर का जो लिंक होता है, वो डायरेक्टली आपके पेटीएम लॉगिन होता है उस पर चल जाता है। तो जैसे पेटीएम पे चले गया, तो उस पर आपको सबसे पहले इसमें मोबाइल नंबर मांगेगा, वो मोबाइल नंबर आपको डालना है। तो जैसे मैंने मोबाइल नंबर डाल रखे हैं, इससे नीचे पैन कार्ड नंबर डालना है। अब मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपके ऊबर अकाउंट में ऐड है, जिससे आपका ऊबर अकाउंट बन रहा है। और इसके अलावा आपको जो पैन कार्ड नंबर है, वो वही डालना है जिससे आपकी आईडी बनी हुई है। तो जैसे आप दोनों चीज़ डाल दोगे, तो इसके बाद में तीसरा स्टेप है नीचे इसमें, कि कितना पेमेंट आपको जमा करना है, तो वो पेमेंट उसमें शो करेगा। तो वो पेमेंट आपको, जैसे कि आप 100 डालना चाहते हो, 200 या 10 रुपये, तो जैसे कि मैंने इसमें डाला 100, वो जैसे 10 रुपये मैंने भर दिए, तो आगे इस पर नीचे आ रहा है पे, तो इस पर पे क्लिक करना है अपन को। तो जैसे पे पे अपन क्लिक करेंगे, तो आपको सीधा ले जाएगा UPI का जो अपना कोड होता है, 4 डिजिट या 6 डिजिट, जो भी आपका बैंक का है, तो आप वॉलेट सेव कर सकते हो, और आपको 4 डिजिट या 6 डिजिट का जो भी है वो उसमें कर सकते हो। तो जैसे इस पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद में आपको पेमेंट सीधा हो जाएगा। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करेगा, भाई आपने कितना, जैसे मैंने 10 रुपये जमा किए, तो ऊबर को आपने 10 रुपये जमा किए, तो जैसे ही वो क्लिक करेगा सक्सेसफुल दिखा देगा। तो अभी आप जैसे ही पेमेंट करते हो, तो आपको दोबारा ना ऊबर ऐप पर और होम स्क्रीन पर जाना है, फिर से 3 डॉट पर क्लिक करना है, और उसके बाद में आपको जाना है वॉलेट में। जैसे वॉलेट में आप गए, तो आपको फिर से चेक करना है कि आपका पेमेंट आया कि नहीं आया। तो आप सोचोगे हैंड टू हैंड पेमेंट आ जाएगा, नहीं, तो कुछ आपको 25 से 30 मिनट वेट करना पड़ेगा। ऊबर तुरंत वॉलेट में पेमेंट जमा नहीं करता, उसके लिए टाइम लगता है। तो जैसे ही आप उसको पेमेंट को जमा करते हो, उससे 20 से 25 या 30 मिनट वेट करो, और उसके बाद में आप ये मेरा देख सकते हो 10 रुपये जमा हो गए। तो उसके बाद में 25 से 30 मिनट बाद में मेरे पैसे जमा हो गए, तो 10 रुपये मैंने जमा किए थे, तो ये मैंने 10 रुपये जमा किए थे वो हो गए थे।
तो भाई साहब कुछ इस प्रकार हम जमा कर सकते हैं ऊबर का वॉलेट का पेमेंट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। थैंक यू।